नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान वैकेंसीज से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट एग्ज़ाम डेट से संबंधित जानकारी इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं, जिसमें आप आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम 2019 में होने वाले हैं, चार भर्तियों की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ हम जानकारी देने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम और इसी के साथ आरएसएम एसएसबी का स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से विद्यार्थियों के भी इसी को लेकर कमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की एग्ज़ाम अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, अलग अलग विषय से उनका संबंध है, किसी का लैब असिस्टेंट का है, किसी के स्टेनोग्राफर का है, हालांकि वुमेन सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। तो इस वीडियो में प्रूफ के साथ हम आपको जानकारी देंगे कि एग्ज़ाम डेट से संबंधित क्या सूचना हमें मिली है, और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपकी क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आप किसी भी तरह के डाउट में ना रहें। इस वीडियो में हम जो भी आपको सूचना देने वाले हैं, एग्ज़ाम करवाने से संबंधित जिला कलेक्टर से जो परमिशन मांगी जाती है, उसी का पत्र हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट घोषित की गई है, और आप कंफर्म मान के चलिए इन्हीं तिथियों का आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं ये बात पहले क्लियर कह देता हूँ कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सूचनाएं तभी अपडेट होती है जब इनका कंफर्मेशन गवर्नमेंट जिला कलेक्टरों से हम मिल जाता है, उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी डाली जाती है। तो यहाँ आप देखिए, इस वीडियो में हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा वॉच करें ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप वॉच करें। तो यहाँ आप देखिए, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, तो ये जिला मजिस्ट्रेट को ये पत्र लिखा गया है, डेट आपके सामने है 18 दिसंबर 2018 को ये पत्र लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु सहमति बाबत, यानी कि जिला कलेक्टर से परीक्षा के लिए केंद्र के निर्धारण के लिए सहमति मांगी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी टेबल हमें दी गई है कि कौन सी परीक्षा होगी, उसकी दिनांक क्या है और परीक्षा आयोजनकर्ता कौन है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 15 से 21 जनवरी 2019, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, यहाँ आप देखिए परीक्षा आयोजनकर्ता कौन है, आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आपको पता है जनवरी में होने वाला है, और उसके केंद्र से संबंधित ये जानकारी मांगी गई है। उसके बाद बिंदु क्रमांक 6 आप देखिए, यहाँ पर है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, जो कि इसकी परीक्षा डेट आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2019। अगर आपको पता हो तो हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसमें हमने एक अलग प्रूफ आपको दिखाया था, उसमें भी हमने यही जानकारी आपको दी है कि 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसी से संबंधित एक और प्रूफ आपके सामने, ये प्रूफ आप देख सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 3 फरवरी आयोजन करता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो में अगर आपको जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है अगर आपको सही लगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा आपको गलत जानकारी दी जाती है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमको पता लग सके कि कितने विद्यार्थी हमारी जानकारी से सहमत हैं। तो अगर जानकारी से अगर आप सहमत हों, आपको लगता है हमारे द्वारा कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं दी जाती है, तो लाइक ज़रूर करें आप, और अन्य विद्यार्थियों को भी एग्ज़ाम डेट के बारे में उन्हें भी सूचना दें। और इन एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी विद्यार्थियों के मुझे कमेंट्स भी मिलते थे कि जैसे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम डेट को लेकर, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट को लेकर, लेकिन उचित सूचना के अभाव में मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता था, और उन पर गलत जानकारी देना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में आपको गलत जानकारी दी जाए, ऐसा मेरा मानना है, ये बिल्कुल गलत है, विद्यार्थियों के साथ धोखा है। तो मैं जानकारी आपको तभी देता हूँ जब मेरे पास कोई प्रूफ होता है,
मैं आपको दिखा सकूं कि मैं इस बिहाब पे आपको जानकारी दे रहा हूं, उसी के बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो अभी ये प्रूफ आप देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। तो यहाँ लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आप देखिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र RSMSSB ने 2018 में इसका एग्ज़ाम विज्ञप्ति इसकी निकाली थी। तो यहाँ आप देखिए 10 फरवरी 2019 इसकी एक्सपेक्टेड डेट दी गई है। उसके बाद अंतिम भर्ती के बारे में आप देखिए, शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 यानी कि जो आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसकी डेट है 24 फरवरी 2019, और कृषि पर्यवेक्षक भी 10 फरवरी 2019, और लैब असिस्टेंट 3 फरवरी 2019। तो ये सारी जानकारी आपके सामने है। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि ये यहाँ पर आप देखिए ये परमिशन मांगी गई है, अभी न्यूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक जब तक जो RSMSSB है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सूचना जारी नहीं करता कि इसकी एग्ज़ाम डेट ये है, तब तक ऑफिशियल उस जानकारी को नहीं माना जाता। लेकिन एक ये जानकारी केवल आपको इतना सा बताने के लिए है कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को हो सकता है, RSMSSB बोर्ड इस तारीख को लेने की तैयारी कर रहा है। अगर उसकी तैयारी सक्सेसफुल रहती है, उस तारीख को सेंटर अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये आपका एग्ज़ाम इसी डेट को होगा, 100% इसी डेट को होगा। तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ आगे आप देखिए अंत में कुछ सूचना भी दी गई है। हमने पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि पहले लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 20 जनवरी 2019 को होना था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने की वजह से अब उस परीक्षा को 3 फरवरी 2019 को आयोजित किया जाएगा। तो ये रीज़न यहाँ पर भी इसमें देख सकते हैं। तो ये आज का वैकेंसीज़ को लेकर एक नया अपडेट था। और आप अगर हमारे चैनल के अगर न्यू व्यूअर हैं तो राजस्थान जीके स्टोर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान भर्तियों से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी, वैकेंसी निकलने से लेकर उसकी एग्ज़ाम डेट तक, एडमिट कार्ड, उसका अगर कोई नया अपडेट आया है तो सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि राजस्थान की भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय पर मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो ये आज का राजस्थान भर्तियों को लेकर ये बड़ा अपडेट था। और इसको लेकर आपका क्या फीडबैक है, जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी से सहमत हैं या नहीं है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।